गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज प्रो क्लासेज. आई एम मनिंदर कौर. सो टूडे आई एम कम विद योर हनी न्यू टेक्स्ट बुक क्लास ए चैप्टर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमरी. एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय सत्यजीत रे. सत्यजीत रे जो है एक बहुत ही इंडियन फेमस जो है राइटर रहे हैं. और यहाँ पे उन्होंने ये कहानी किसके बारे में बताई हमें, बिपिन चौधरी के बारे में, जो अपनी मेमोरी शॉर्ट कर लेती हैं. लैप्स मीन्स जो उनकी मेमोरी जो है बिल्कुल वो ख़त्म हो गई है. तो बच्चे ये कहानी इंटरेस्टिंग है. सो लेट आई बिगन. बिफोर यू रेड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? Has your memory ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. तो ये कहानी पढ़ने से पहले हमें ऑथर क्या पूछता है कि आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी है क्या, आपको कुछ या बातें याद रहती हैं, या किसी ने आपके साथ कोई ऐसा भद्दा मजाक भी किया हो वो भी आपको याद रहता है. तो कहते हैं कि यहाँ पे जो है बिपिन बाबू के बारे में बताया, जो भूल जाते हैं उसकी वो क्रेजीनेस के बारे में हमें बताया है. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. जो बिपिन बाबू है वो अपनी क्या है याददाश्त को दौड़ा नहीं पा रहे, उसको रिकलेक्ट नहीं कर रहे, मींस कि उनको याद नहीं आ रहा वो कब रांची गए थे. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, दो देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्री. व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो वो कभी रांची गए नहीं थे, लेकिन उनको ये बार बार एहसास दिलाया जाता है कि आप रांची गए थे और इसके बहुत सारे चश्मे की गवाह भी हैं. लेकिन ये सस्पेंस क्या, ये सस्पेंस है कहाँ तक जाता है? सो दिस चैप्टर हैज़ फोर पार्ट्स. ये चैप्टर के चार पार्ट्स हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू डू पार्ट वन एंड पार्ट टू इन दिस वीडियो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट वन. Every Monday on his way back from home, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. हर जो है मंडे जो है सोमवार की तरह जब वो काम से लोड कराते हैं तो बिपिन चौधरी कहाँ पे जाते हैं, एक काली चरण की दुकान की, किताबों की दुकान है उसके पास वो जाते हैं. क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स, कौन सी स्टोरीज़ की बुक्स वो खरीदते हैं? जो क्राइम स्टोरीज़ होती हैं, घोस्ट स्टोरी मीन भूत वाली, और थ्रिलर्स जो मारधाड़ वाली. ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. ही lived alone, was not a good mixer, he had few friends and he didn't like spending time in idle chat. तो वो कहाँ पे रह अपने वो क्या कितनी किताबें लेते हैं, 5 लेते हैं. वो घर में अकेले रहते हैं, वो किसी से बातें करना नहीं, ज़्यादा पसंद करना नहीं चाहते और वो अकेले अपने घर में ही बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं. टुडे एट कालीचरण्स बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. ही टर्नड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु न्यू ब्रॉक इनटू अ स्माइल. बिपिन बाबू को ऐसे लग रहा है कि कोई उसको वॉच कर रहा है, कि उसका पीछा कर रहा है. और कब से, जब से वो वहाँ से अपने ऑफिस से निकले और कालीचरण की दुकान पे तक जा रहे थे, तो जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक आदमी था जो उनकी तरफ देखकर वो स्माइल पास कर रहा था. तो बच्चे इस स्लाइड में वो आप ये पिक में भी देख रहे हैं कैसे बिपिन बाबू ने टर्न फेस देखा, वो दरवाजे के बीच में खड़ा उनको स्माइल कर रहा है. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर? सेड बिपिन बाबू. द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज. वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुडो फ्रॉस. तो बिपिन बाबू ने उसकी तरफ देखकर बोला कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, रिकॉग्नाइज मीन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो, क्या हम कभी पहले भी मिले थे? तो वो आदमी ने बहुत ही जो हैरानजनक में उसको देखा और उन्होंने बोला हम तो रोज़ मिलते थे, पूरा एक हफ्ता हम एक दूसरे से मिलते थे. आप याद करो मैंने आपके लिए कार का अरेंज किया था जब आपने हुडो फॉल जाना था. तो देखो वो कैसे इस राइड में बच्चे कैसे बिपिन बाबू उसकी तरफ देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल नहीं जानते थे. In 1958 in Ranchi, my name is Parimal Ghosh Ranchi. तो उन्होंने बोला कि हम कब मिले थे 1958 में, कहाँ, रांची पे, और मेरा नाम परिमल घोष है. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन वाज मेकिंग अ मिस्टेक. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम,
हु आई एम। तो बिपिन बाबू ने ये महसूस किया कि यह इंसान, ये आदमी जो है गलती वो खा रहा है, मैं तो कभी रांची गया नहीं और ना ही मैं इससे कभी मिला। उन्होंने बोला, क्या तुम जानते हो मुझे, मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज बट बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू, यू डजेंट नो बिपिन चौधरी। तो मैं, वो आदमी इतना हाँ चालाक था, चुस्त था, तो उसने अपने आईब्रोज रेज करके बोला, क्या मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि बिपिन चौधरी को कोई ना जानता हूँ। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर लुकिंग अ मिस्टेक ऑन ऑफ डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो बिपिन बाबू फिर अपनी किताबों की तरफ ध्यान दे रहे थे, वो चूज़ कर रहे थे और साथ साथ में वो उस आदमी से बात भी कर रहे थे और कह रहे थे, तुम धोखा खा रहे हो, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो ये बात सुनकर आदमी जोर जोर से हंसने लगा। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, आई ब्रॉट यू आयोडीन, आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेथ्रेड द नेक्स्ट डे बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, कांट यू रिकॉल एनीथिंग, समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। तो उसने बोला कि क्या बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी, आप हुड्रो फॉल में गए थे, वहाँ गिर गए थे, आपके जो सज्जे गोडे पर चोट आई थी तो मैं आपके लिए दवाई भी लेकर आया था, फिर मैंने नेक्स्ट डे आपके लिए कार अरेंज की थी, लेकिन आप वहाँ पे कहाँ नहीं गए थे, नेथरात में नहीं पहुँचे, क्यों? आपके गोडे में बहुत पेन थी, तो आप किसी और से पूछ लो, किसी को आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर लो, उनको याद होगा वो रांची गए थे। मिस्टर दानेश मुखर्जी हु स्टेड इन अ बंगलो, तो वो किसको याद करते हैं, मिस्टर दानेश मुखर्जी जो एक बंगलो में रहते हैं। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक बाय बावर्ची। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर हु हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? तो उसने बोला, मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो बंगलो में रहते हैं, आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, तो वो अपने सिस्टर के साथ रहते थे, आपको बावर्ची का बना खाना अच्छा पसंद है, तो आप हमेशा अपने साथ एक बैग में किताबें लेकर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड अक्टूबर। तो बिपिन बाबू जो थे वो भी किताबों में देखने में व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने बोला कि कौन से ईयर की बात कर रहे हो, 58, और कौन सा महीना था? कहते अक्टूबर। नो सर, सेड बिपिन बाबू, कहते नहीं, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद माई फ्रेंड इन कानपुर, मैंने अक्टूबर में कहा था कानपुर अपने दोस्तों के साथ पूजा में शामिल था। यू आर मेकिंग मिस्टेक, गुड डे। तो उन्होंने बोला, तुम बहुत बड़ी गलती खा रहे हो, जाओ और हैव ए गुड डे। बट द मैन डिडेंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, वो ना वहाँ से गया और ना ही बातें करनी जो है उसकी बंद हुई थी। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन वरांडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विज द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। तो उन्होंने बोला, ये कैसे हो सकता है, बहुत ही अजीब सी बात है, आपको याद होगा हमने एक शाम को आपके बंगलो एक बरांडे में बैठकर चाय पी थी, आपने मुझे अपने फैमिली के बारे में बताया था कि आपकी फैमिली में कोई बच्चा नहीं है और आपकी वाइफ को भी मरे हुए 10 साल हो चुके हैं और आपका भाई जो है वो पागल था, वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था आप रांची में। वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिस्बिलीव। तो जब उन्हें वो पैसे दिए तब भी वो आदमी जो था वहाँ पे खड़ा उनकी तरफ कैसे देख रहा था, बहुत ही एक हैरानजनक के वे में देख रहा था। इसी के साथ पार्ट वन ख़त्म होता है, नाउ कम टू पार्ट टू। बिपिन बाबूज़ कार वॉज सेफली पार्कड इन बैथरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, उनकी कार कहाँ पे पार्क थी, एक जो है बैथरम स्ट्रीट लाइट हाउस उसके पास थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। तो उन्होंने बोला कि तुम कहाँ लेकर चलो,
जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम, सीताराम वहाँ पे मुझे लेकर चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर को यहाँ पे किसको बोला गया है बच्चे, जो अनजान इंसान है उसके बारे में बताया गया है। आप उसको जानते नहीं लेकिन फिर भी उसकी बातों को आपका ध्यान आ रहा है, तो वो उसकी बातों को सोच रहे थे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, उन्होंने बोला मैं तो कभी रांची गया नहीं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट वॉज इनकन्विंसेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 ईयर्स अगो। ही हैड एन एक्सलेंट मेमरी अनलेस बिपिन बाबूज हैड लीड। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि 6 साल से पहले की बात मैं भूल चुका हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो अभी भी मेमरी बहुत बढ़िया है। तो बिपिन बाबू ये सोचकर उनका जो है सिर वो पटने लगता है। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, बट नाउ कुड दैट बी, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, ओनली टूडे ही स्पॉक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट। वो कहते क्या उसका जो है जो मेमरी लॉस्ट हो रही है क्या ऐसा हो, लेकिन वो आप भी अपने ऑफिस में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल जो जॉब है, जिम्मेवारी का जो काम उन्हें सौंपा गया वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और उसने मीटिंग में आधा घंटा भी उसके ऊपर बोला था, ये कैसे हो सकता है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, वाइस दैट ब्रदर्स इन सेंसिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोइंग टू रांची, नॉट अ मिस्टेक अ डेलिबरेट लाई। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन द कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास भागिस प्लेस। तो ये कैसे हो सकता है, वो मेरे बारे सब कुछ जानता है, मेरे भाई के बारे में, मेरी वाइफ, बच्चों, मेरे पास कुछ नहीं है ये किताबों के बारे में, वो कैसे गलती, मैं कैसे गलती खा सकता हूँ कि मैं कभी रांची नहीं गया, लेकिन वो मुझे पता है कि कोई मिस्टेक नहीं है, वो जानबूझकर ऐसे झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं 58 में कहाँ पे था, अपने फ्रेंड हरिदास भागिस के घर में था, उसकी जो कानपुर में उनका घर है और उनकी पूजा में शामिल था। ऑन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। तो वो सोचते कि मैं हरिदास से बात करूँ या उसे कुछ लिखें, लेकिन उन्हें लगा कि क्या है कि जो हरिदास है वो अपनी वाइफ के साथ अभी कुछ ही हफ्ते पहले जापान में गया था और उसका एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। मतलब मुझे क्या सबूत की जरूरत है, मुझे पता है मैं गया ही नहीं कभी रांची। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रिजिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंडर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। जैसे लहरें जो हैं वो उसकी समुंदर की लहरें जब लहराती हैं आपस में होती हैं तूफान करती, वैसे ही बिपिन बाबू के दिमाग में ऐसा तूफान चल रहा था। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइटनिंग। तभी उनको दिमाग में बात आई कि वो अपने इस पैंट को फोल्ड करेंगे और अपने चोट का निशान देखेंगे। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक जो है आधा इंच का कट है, लेकिन उन्हें ये बात यानी ये कब कैसे हैपनिंग हुई थी। इस पिक्चर में देखो वो कैसे अपने इस चोट के निशान को देख रहे हैं और उन्हें याद ये उनके साथ कैसे कब हुआ था। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वो ये सब बातें जानना चाहते कब उनके साथ ये चोट का हादसा हुआ था, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहे। देन बिपिन बाबू suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Bhanidhan Street. But about going right now. But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. So Bipin Babu ne bola ki chalo main Dinesh Mukherjee se puchunga.
कि मैं रांची उनके साथ गया था, वो यहीं पास में रहते हैं। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया अगर मैं गणेश मुखर्जी से पूछूंगा तो वो सोचेंगे कि विपिन बाबू ये कैसे क्वेश्चन मुझे पुट कर रही हैं, ये पूछना मुझे जो है वो एक अच्छा नहीं लग रहा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस गणेश कारमेंट्स कुड बी, सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू लेफ्ट एट ईज अगेन सच अ न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एस टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। तो उन्होंने को क्या लगा कि ये सब बातें सोचना नहीं चाहिए, उसे लग रहा था कि ये सब बातें जो हैं वो मुझे ऐसे ही भड़का रहे हैं ये लोग, और जानबूझ के ये मेरे बालों को खींच रही हैं। आफ्टर डिनर सगलिंग इन बेड विद वन ऑफ न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो जैसे ही वो खाना खाकर रात का वो अपने बेड पे जाते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द वेरियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप। तो अगले दिन जब ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें फिर वही जो कल की बात वो याद आती है और वो सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मैं रांची, वो इंसान मेरे बारे सब कुछ जानता और मैं रांची ट्रिप के बारे में बिल्कुल भूल गया हूँ। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर फोन। तो उन्होंने सोचा कि खाना खाने से पहले मैं गणेश मुखर्जी से बात करता हूँ, तो उन्होंने फ़ोन पे बात करनी चाहिए, एटलीस्ट द एम्बैरेसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो। तो जो इतना घबराने तो वो नहीं ही शो हुआ था। 23516 बिपिन बाबू डायल द नंबर, उन्होंने नंबर डायल किया और बोले हेलो इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर। बोला कि दिनेश बोल रहे हैं, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यू, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एंड सर्विस टू प्लेस इन 58। कहते मैं तुमसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ 58 में, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? 58 व्हाट इंसिडेंट? तो मुखर्जी ने बोला कौन सा इंसिडेंट, वी आर यू इन द कैलकटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। वो कहते कि तुम तब कैलकटा में, वेट जस्ट अ मिनट 58 जस्ट टेल मी, लेट मी चेक इन माय डायरी। वो कहते रुको अभी मुझे अपनी डायरी चेक करने दो। कौन बोला? दिनेश मुखर्जी। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस, बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वीटिंग अ लिटल। तब उन्हें लगा कि उसकी हार्ट बीट जो है वो बंद हो रही है, क्यों? क्योंकि दिनेश मुखर्जी अपनी जो एक्टिविटी है वो एक डायरी में लिखते हैं, तो उन्होंने डायरी से चेक करके बोल दिए हैं हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। कहते 58 में मैं दो बार यहाँ से गया था। बियर कहते एक बार मैं कहाँ गए थे तुम, बिपिन बापू ने पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। तो मैं अपनी कृष्णा नगर में कहाँ गया था, एक भांजे की शादी पे गया था, द ट्रिप टू रांची, एक ट्रिप मेरा रांची का था, यू वर देयर टू और तुम भी वहाँ थे, दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लॉटिंग अबाउट, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नो आई जस्ट वांटेड टू, एनी वे थैंक्स। तो बिपिन बाबू ने उसे ये नहीं बताया वो क्यों पूछ रहे हैं, उन्होंने थैंक्स बोल दिया। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप हिज हेड विद हिज हैंड्स, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, देयर और सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। तो जब उन्होंने बोला तो उन्होंने रिसीवर रखा और उनको जो था ऐसे हाथ उनके कांप रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जैसे ठंडी हवा उनके बॉडी में एक समा चुकी है और उनकी भूख बिल्कुल मर चुकी थी, उनके टिफिन में सैंडविच थे, उनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। बच्चे इसी के साथ ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है, तो आगे दो पार्ट्स इसके जो हैं 3-4 वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप अगर कोई आपको ये मेरा जो है वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और भी कोई पढ़ना चाहे उसे भी पढ़ने का मौका मिलेगा, और इसे सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करना, क्यों? सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट वीडियोज़ रिगार्डिंग द चैप्टर्स। सो थैंक्स वॉचिंग माई चैनल।